आपसे निवेदन है कि कृपया शांति बना रखिए और बैठ जाइए। मैं आपको एक गीत दिलाना चाहता हूँ, जो भी नुकसान हुआ है हम उसके लिए मुआवजा उठवाएंगे। मुआवजा जो भी है उसको बटवाएंगे। हम आपको एक गीत दिलाना चाहते हैं कि आपका जो भी नुकसान हुआ है हम उसके लिए मुआवजा बटवाएंगे और साथ ही साथ आपका जो समस्या है उसका हल लेके आए हैं। नेताजी, नेताजी, ये क्या नेताजी? नेताजी हम एक किसान है। नेताजी कहाँ पर क्या करें? नेताजी हमारे पैर के गले में हल फंस गया मालिक। तो ये हल पैरों के दर्द में क्या कर रहा है मालिक? बैल एक खेती कर रहा है मालिक। तो किसान क्या करता है मालिक? किसान भी खेती कर रहा है मालिक। अच्छा, दोनों लोग खेती करते हैं? हाँ मालिक। हम आपसे वायदा करते हैं अगर इस बार हमारी सरकार आएगी तो आप किसी को फसल उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे मालिक? फसल नहीं उगाने की पड़ेगी, कहीं किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। बिना किसान की फसल कैसे होगी मालिक? क्या किसान खाना नहीं खाता है मालिक? पहले किसान फसल उगाता है मालिक, तब खाना खाता है मालिक। अच्छा अच्छा, किसान पहले खाता है उसके बाद फसल उगाता है? नहीं मालिक, पहले फसल उगाता है तब खाता है। अच्छा, कौन सी खेती करते हो मालिक? कपास का। कपास का? क्या बनाते हो कपास का मालिक? कपास का कुर्ता बनाते हैं मालिक। तो जमीन से सीधा कपास के अच्छा कुर्ता क्यों नहीं उगा लेते? नहीं मालिक, पहले कपास उगाया जाता है तब कुर्ता बनाया जाता है मालिक। अच्छा, ये जमीन पे उगाते हो या छत पे उगाते हो? नहीं मालिक, जमीन पे उगाया जाता है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास कितनी जमीन है? हमारी बहुत सारी जमीन है, छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी एक टुकड़े में कितनी जमीन है? हमारी एक टुकड़ों में मालिक कुछ जमीन मालिक। एक कुर्स बराबर कितना होता है? एक कुर्स बराबर आपकी जितनी टॉयलेट होती है मालिक। इसका मतलब कितने में जाते हो उतने में तुम उगाते हो? नहीं मालिक, आप क्या जाते नहीं हो? नहीं मालिक, हम तो सुबह भी जाते हैं, शाम भी जाते हैं और दिन रात आते ही जाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हमारे पांच, एक और है मालिक। यानी छह बच्चे हैं? नहीं मालिक, अभी एक और है। यानी सात? अभी एक आ रहा है मालिक। हाँ, उसको लेके साथ हो गए? यस मालिक। चाचा इंग्लिश भी बोल लेते हो? हाँ थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छी बात है। पैदावार कितनी है तुम्हारी मालिक? थोड़ा ज्यादा खेती भी नहीं है इसीलिए थोड़ा ही है। अच्छा, और क्या? और हम गरीब बेचारे बैलों द्वारा खेती करते हैं मालिक। तुम्हारे क्या समस्या है वो बताओ मालिक। एक बैल जोड़ी मालिक वही, और सबसे पहले आप ही समस्या है मालिक। ये आप? हाँ मालिक। हमारे ये गले की हड्डी बनी हुई है यहाँ, गले की गड्डी बनी हुई है हमारे यहाँ। गड्डी नहीं होता, हड्डी होता, हड्डी। अरे हाँ, वो जो भी है मेरे गले की हड्डी बनी हुई है। तो क्या समस्या तुम्हारी वो बताओ, दूसरी समस्या बताओ। तो मतलब तुम्हारी पहली समस्या ये है कि हम अपना चुनाव छोड़ दें, न लड़ें? नहीं मालिक, आप पहले हर बैल के गले से हल निकाल दीजिए तो फिर आप आगे का कार्य सोचिए। अच्छा ये बताओ, बैल को तो हम पहले ही हटा चुके हैं। नहीं मालिक। अच्छा आप ये बताइए, आप जमीन से संबंधित कुछ जानते भी हैं? हाँ हाँ, हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं जो जमीन से संबंधित सभी कार्य करते हैं। उसे रिश्तेदार से मतलब जमीन से जुड़ा नहीं कहते, उसे इडली डोसा बिरयानी कहते हैं मालिक। अच्छा अच्छा, यानी हमें कुछ पता ही नहीं है यहाँ मालिक। चलो अपनी दूसरी समस्या बताओ। दूसरी समस्या तो आप ही है मालिक। ये तो पहली समस्या थी ना।
पहले से तो बैल की हल में जो बैल के गले में हल फंसा था वो थी मालिक। बैल को तो हम पहले ही हटा चुके हैं। तुम अपनी दूसरी और कोई समस्या बताओ। बस मालिक हमारे ये तो यही समस्या है कि बैल के गले में से हल निकाल दीजिए बस। बैल अगर हल चला तो किसान क्या करेगा? किसान खेती करेगा मालिक। अच्छा किसान खेती करता है। किसान आप हत्या करता है मालिक, कुछ करिए ना मालिक। कुछ नहीं कर पाएंगे।